Next heading, food web. Next heading, food web. It is a network of food chain. It is a network of food chain which become interconnected. Which become interconnected at various tropic levels. At various tropic levels, so as to form number of feeding connections. Number of feeding connections among different organisms of biotic community. Next line mein likhe characteristics biotic community. Characteristics mein first point, unlike food chain, comma, food web are never straight. Second point, a food web provides alternative pathway. Alternative pathway of food chain. Sorry, food chain nahi, khali food. Chain nahi. Alternative pathway of food. Third point, more are the alternatives. More are the alternatives, comma, more will be the stability of ecosystem. Last point, it also helps to check the overpopulation. चलो, food chain जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो एक state होती है, एक organism दूसरे पे दूसरा तीसरे पे इस तरह से depend करता है. Food web की जब हम बात करते हैं तो मतलब criss cross हो गया, एक organism इधर भी feed कर रहा है, वही organism दूसरी जगह भी feed कर रहा है. भाई अगर हम प्लांट को ही देख लें तो प्लांट को गोट, गोट को टाइगर या लायन, ऐसे ही प्लांट को डियर, डियर को, तो ये क्या कहलाएगा कि भाई डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो आपके मिक्सअप होना चालू हो गए. दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब. ठीक, क्या फायदा मिलता है, ऑल्टरनेट मिल गया. टाइगर को गोट नहीं मिली तो डियर से काम चला लिया, डियर को मिला तो गोट से काम चला लिया. अल्टरनेटिव पाथवे उसको मिला कि चलो ये खाना नहीं मिल रहा तो दूसरा खाना मिलेगा. ठीक,
तीसरा जितना ज्यादा आपके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम का मतलब सपोज करो कि टाइगर को सिर्फ और सिर्फ डियर ही खाना है। अब जहां पर टाइगर है वहां डियर्स अवेलेबल ही नहीं है, है नहीं, अब क्या होगा? तो अगर डियर अवेलेबल नहीं है तो टाइगर मर जाएगा क्योंकि उसे खाना ही नहीं मिल रहा, खाने के बिना जिंदा कैसे रहेगा। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि नहीं भाई चलो गोट ले लो या कोई और ऑप्शन है। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। दूसरी बात, अगर ये डियर ही डियर खाता रहेगा तो सारे डियर्स खत्म हो जाएंगे, खाते जाओ खत्म होते चले जाएंगे, तो एक एक करके ये चीज कम हो जाएगी। ये कम हो गया तो प्लांट के नंबर बढ़ जाएंगे और टाइगर के नंबर कम होना चालू हो जाएंगे। तो हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड करे। ऑप्शन होगा तो भैया ये भी अपने नंबर बढ़ाता रहा, ये भी नंबर बढ़ाता रहा, कभी इसको खा लिया कभी इसको खा लिया। अगर एक ही वैरायटी का प्लांट खाता हो कि डियर जो है वो सिर्फ एक ही प्लांट खाएगा, यही वाली वैरायटी का खाएगा, तो पता चला वो वाले कम होते चले गए दूसरे वाले पड़ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, डियर को तो प्लांट मतलब ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, इट हेल्प्स टू चेक द ओवर पॉपुलेशन किसी चीज का। जैसे अपने यहाँ बोला कि एक वैरायटी खाई तो दूसरी वैरायटी के नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उस वाले के कम हो गए लेकिन बाकी सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो किसी चीज का ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए, सब कुछ मेंटेन रहे, इस चीज के लिए भी फूड वेब जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स डेफिनेशन लिखिए। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of an ecological parameter at different trophic levels, ecological parameters at different trophic levels in a food chain in an ecosystem. उसमें लिखिए इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह मैं टाइम नहीं लगा दूं। पिरामिड ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होगा? प्लांट के नंबर सबसे है ना, प्रोड्यूसर जो भी होंगे उनका नंबर सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का सबसे कम। ये जो पार्ट है ये कहलाता है अपराइट, मतलब नीचे ज्यादा और ऊपर कम। अपन ने जो ये शेप बनाया ये वाला भी चलता है, ये वाला बोलो, इसमें भी अपन ने यही बताया आपको कि नीचे नंबर ज्यादा है और ऊपर नंबर कम है। तो नंबर ऑफ पिरामिड जो है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इको सिस्टम। तो अपराइट है इसका मतलब नीचे वाले ज्यादा है ऊपर वाले, अगर इसको उल्टा कर दो तो ये कहलाएगा इन्वर्टेड। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। ये क्या बता रहा है? ऊपर वाले ज्यादा है और नीचे वाले कम है। तो डेफिनेटली नंबर्स के लिए हम ये वाला एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स के लिए ये बोलना कि ऊपर नंबर ज्यादा है नीचे नंबर कम है तो ऐसा पॉसिबल
होगा ही नहीं, तो नंबर्स के लिए अपराइट वाला पॉसिबल है, इन्वर्टेड वाला पॉसिबल नहीं। चलो ड्रॉ कर लो। पिरामिड ऑफ नंबर्स में लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स। डिफरेंट टॉपिक लेवल्स नंबर पे पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास डैश करके लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। एक बार बताओ कि मैंने जैसा ये वाला आपको बोल दिया प्लांट ये वो ऐसा वैसा, अपन ने पढ़ लिया कि नीचे नंबर ज्यादा होता है ऊपर नंबर कम है, पर क्या कहीं पर ऐसा पॉसिबल है कि इन्वर्टेड वाला हमारे पास दिमाग में कोई आए? हाँ मतलब वो बायोमास का आया तो उससे पहले मैं ये वाला भी दिमाग में ऐसे ही आ गया कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कहीं पर भी नंबर वाला ऐसा इन्वर्टेड वाला शो हो, यानी आप पूछ रहे हो तो होगा ही। चलिए इसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, जैसा हमारे पास ओक ट्री है उसके ऊपर हमारे पास में बर्ड्स है, बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे बग्स जो हैं वो पैरासाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और उनके ऊपर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और फंगा है पैरासाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इनके नंबर ज्यादा होंगे और इनके नंबर कम होंगे। तो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अपन जो कॉमनली पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे अपराइट होते हैं। हाँ मतलब बना तो मान लो कि 100% ऐसा ही है, फिर इन्वर्टेड क्यू वर्ड आपने दिया, बाद में कभी दिमाग में आए कि आपने इन्वर्टेड क्यू पढ़ाया, तो इन्वर्टेड बेटा एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया फंगाई है, जब दूसरी बार पैरासाइट आता है तो हम उसे हाइपर पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट, इट इज हाइपर पैरासाइट। इंपॉर्टेंट भी है, बाकी बायोमास वाला कल क्लास में